हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम कुलकर्णी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे टैक्स वीडीएचके के। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑन लॉटरी, मींस लॉटरी से आपको जो भी मनी रिसीव होता है या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग और बेटिंग, इससे आपको जो भी इनकम मिलता है उसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, इसके बारे में ये वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉटरी की जो इनकम है वो टैक्स होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मींस लॉटरी, गेम शो और इन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से आपको कुछ बक्सिस वगैरह मिला है, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग और बेटिंग, रेसेस मतलब हॉर्स रेस, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इंक्लूड होता है, जिसको कैजुअल इनकम भी बोला जाता है। तो इस पे आपको फ्लैट एट द रेट ऑफ 30% इनकम टैक्स देना पड़ता है और कुछ सेस मिला के वो हो जाता है 31.2%, मींस 4% उस पर एचीसी लग जाता है और 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ता है लॉटरी पे या फिर ये जो भी हमने चर्चा की उस पे। तो क्या लॉटरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है? इसका आंसर है हाँ। अगर आपकी प्राइज मनी, मतलब जो भी आपको मनी रिसीव होती है उसकी लिमिट, मतलब 10,000 से ऊपर वो अगर रिसीव हो गई तो उसपे आपको टीडीएस देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 31.2%, मीन्स जितना टैक्स है उतना ही आपका टीडीएस कट हो जाएगा। टीडीएस डिडक्ट करते वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी इनकम टैक्सेबल है या फिर नहीं है। आपका फ्लैट 31.5 मीन्स 30% टैक्स एंड 4% एचीसी, ऐसा मिलके मार्जिनल रेट 31.2% से आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ हॉर्स रेसेस, मीन्स आपकी 10,000 से ऊपर इनकम जाती है तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। खास बात लॉटरी इनकम की रिगार्डिंग, इस पे फ्लैट 31.2% का आपको टैक्स लग जाता है, लेकिन कोई भी इसमें से आपको डिडक्शन नहीं मिलता। एटीसी और एटीडी के अंदर तो कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं, इवन दो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है उसका भी इसमें एग्जम्पशन नहीं मिलता। मतलब जब भी आपको 10,000 से ऊपर कुछ प्राइज मनी रिसीव होती है तो उसपे आपको 30% टैक्स देना पड़ता है और सेस मिला के वो जैसे कि हमने बात की 31.2% हो जाता है। इसपे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलता, फ्लैट आपको इस पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए एक लड़की है चैताली, उसको लॉटरी लग गई 3,00,000 रुपए की, मीन्स उसको 3,00,000 रुपए मनी रिसीव हो गया और उसके इनकम में मीन्स इंटरेस्ट इनकम उसकी 5,00,000 रुपए, मतलब उसकी टोटल इनकम 8,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए लॉटरी की और 5,00,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम। तो उसको ये 3,00,000 जो है उस पे फ्लैट 31.2% का टैक्स पे करना पड़ेगा और जो 5,00,000 बचे वाली इंटरेस्ट इनकम है तो उसकी नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी, मींस उसे 3,00,000 पे 31.2% फ्लैट रेट से टैक्स देना मैंडेटरी है। इस पे उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही कोई एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर आपको ये प्राइस काइंड में मिलते हैं, मींस कोई वस्तु आपको मिलती है उसके जगह पे, कार बोलो या कुछ ज्वेलरी बोलो, तो वो पर्टिकुलर चीज की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके ही बाद में उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम टैक्स ऑन लॉटरी इनकम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप एंजॉइंग टैक्स विद एचके। बाय बाय।